इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर ओमिक्रॉन, जब से ये कोरोना बीमारी आई है तब से आम इंसान का जीना मुहाल हुआ है। कई सारे ओमिक्रॉन को लेकर खबरें फिर से गश्त करना शुरू हुई। आवाम के दिल में कैसे डर पैदा किया जा रहा है उसको महसूस भी किया जा रहा है। अब आखिर इसको ओमिक्रॉन को लेकर जो भी खबरें फैलाई जा रही है, ये पूरा कोरोना का मामला ही दरअसल चक के दायरे में है। तीसरी लहर सितंबर में आने की बात कही जा रही थी और 5 लाख लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं कहा गया था। तीसरी लहर के लिए डेल्टा वेरियंट की बात कही गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर अब ओमिक्रॉन आने वाला है ऐसा कहा जा रहा है। आपको इस खबर को सुनकर भी ताज्जुब होगा कि फ्रांस, लंदन, पेरिस, स्पेन, यूरोप, लॉस एंजल्स, ऑस्ट्रेलिया और भी दीगर बैरूनी ममालिक में वैक्सीनेशन और ओमिक्रॉन को लेकर एहतजाज किए जा रहे हैं। कुछ जरूरत से ज्यादा अकलमंद लोग शायद कोरोना ओमिक्रॉन के मुखालिफत में ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर गूगल करके इस खबर की सच्चाई जानना चाहते हो तो देख सकते हैं। ये और बात है कि दिगर मीडिया में इस खबर को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, लेकिन वैक्सीनेशन के खिलाफ सख्त एहतजाजात दुनिया के अक्सर बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है। अब सवाल तो यही उठता है कि दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीनेशन की सख्ती पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। दरअसल भारत में भी WHO के किसी भी हिदायत के खिलाफ खबरों को शाया करना पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि हुकूमत का अपना दबाव भी रहता है। हाल ही में बेलगाम शहर में अधिवेशन खत्म हुआ तो 10 दिन तक मेला लगा हुआ था। सभी ने देखा, हजारों की तादाद में लोगों ने मुख्तलिफ मसाइल पर एहतजाज किए। शायद ही किसी को कोरोना नाम की बीमारी का एहसास या फिर ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का एहसास देखने को मिला। हजारों लोग हर रोज एहतजाज करते, यहां तक कि विधान सौध में भी ज्यादातर सख्तियां देखी नहीं गई। और ये अक्सर होता रहता है जब सरकारी काम, इजलास, सियासी लीडरों की रैलियां रहती है तो किसी तरह का कोरोना या ओमिक्रॉन का खतरा नहीं रहता, लेकिन जैसे ही चुनाव, सियासी रैलियां, अधिवेशन खत्म होता है तो ओमिक्रॉन के खतरे बढ़ने लगते हैं और उसका एहसास भी होना जरूरी है, और तब जाकर फिर लोगों को डराने का काम शुरू किया जाता है। अब क्रिसमस नजदीक है, ईसाई महाशरी की जानिब से नए साल का जश्न भी मनाया जाता है, लिहाजा पाबंदियां लगाने के ऐलान किए जा सकते हैं। आज वजीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि नए साल की पार्टियां और क्रिसमस के इजलास पर कुछ पाबंदियां ओमिक्रॉन के तहत नाजिल करनी होंगी। 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। भारत में तो किसी ने भी अब तक वैक्सीन के खिलाफ एहतजाज करने की खबर सामने नहीं है। भारत की जनता हुकूमत के फैसले पर सर तस्लीम खम अमल करते देखा जा रहा है। भले ही RTI के तहत वैक्सीन को जोर जबरदस्ती लगाने की बात कही गई हो, भारत में हुकूमत ने इस तरह गाइडलाइन जारी की है कि वैक्सीन लगाना जरूरी ही हो गया, वरना तो आपको कहीं पर भी सफर करना मुमकिन नहीं हो सकता। बाहरी मुल्कों में भी इसी तरह का निजाम देखा जा रहा है। वैक्सीन के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। जब कोई लगाना नहीं चाहता तो आखिर इतनी सख्ती क्यों, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। पहली लहर, दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर के लिए भी तैयारियां करने की बात कही जा रही है। अब तो लॉकडाउन तक की खबर फैलाई जा रही है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय डॉक्टर रवि गोडसे ने तो किसी तरह की तीसरी लहर आने वाली नहीं है कहते हुए कहा कि ओमिक्रॉन से किसी तरह का नुकसान भारत को नहीं हो सकता। जब ओमिक्रॉन को लेकर किसी तरह खतरा नहीं है तो आखिर क्यों डराया जा रहा है। आवाम अभी भी लॉकडाउन के जख्म भुला नहीं पाई है। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जहां वैक्सीन की सख्ती पर एहतजाज किए जा रहे हैं, तो भारत में बच्चों को भी वैक्सीन देने की बात कही जा रही है। कुछ लोग इसके हक में हैं तो यहाँ भी कुछ लोग मुखालिफत में देखे जा रहे हैं। खैर, अब बात फिर उसी ओमिक्रॉन के साथ लॉकडाउन की है जिसके लिए आवाम बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से फायदा तो बिल्कुल नहीं हुआ है लेकिन नुकसान ऐसा हुआ है जिसकी भरपाई सालों तक करनी होगी। लिहाजा ओमिक्रॉन को लेकर आवाम में डराना हुकूमत बंद करे। सवाल तो ओमिक्रॉन जहां से आया उस साउथ अफ्रीका पर भी होना चाहिए। आखिर अफ्रीका में क्यों ओमिक्रॉन के मरीज घट गए? अब तो वहां बहुत कम ओमिक्रॉन के मरीज की बात कही जा रही है और ओमिक्रॉन से मरने वालों की भी तादाद का आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया। इतना तो जरूर है कि ओमिक्रॉन के मरीज हो सकते हैं बढ़ेंगे, लेकिन किसी तरह लॉकडाउन नहीं होगा, इतना यकीन है। खामखा डर ना फैलाए, खुद भी ना डरे और दूसरों को भी ना डराए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।